निष्ठापूर्वक जपा हुआ नाम भोग के द्वारा ही विनाश से प्रारब्ध कर्म को भोग के बिना ही नष्ट कर देता है। आप सभी को राधे राधे। आज के प्रवचन में जब एक भक्त ने श्री गुरु से प्रश्न किया कि क्या हम नाम जप से अपने शरीर के रोगों को भी दूर कर सकते हैं, तो श्री गुरु ने कबीर दास जी की एक कहानी का उदाहरण देकर बताया कि किस तरह हम नाम जप की शक्ति से अपने शरीर के भयंकर रोगों को भी दूर कर सकते हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप सभी श्री गुरु का ये सुंदर प्रवचन बहुत ध्यान से सुने और पुण्य के भागी बने। राधे राधे। निष्ठापूर्वक जपा हुआ नाम भोग के द्वारा ही विनाश से प्रारब्ध कर्म को भोग के बिना ही नष्ट कर देता है। तो आप कहेंगे कि बड़े बड़े संतों को बड़े बड़े रोग पाए गए, कैंसर अमुक अमुक अमुक, तो क्या इन्होंने नाम जप नहीं किया? क्या जान गए? नाम जप के प्रभाव से जान गए कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये पानी का बुलबुला जैसा है, कुछ समय के लिए मिला उठ जाएगा। अब इसके लिए सच्चिदानंद में नाम का प्रभाव क्या रखना? जैसे सांप अपनी केचुल से कोई संबंध नहीं रखता, ऐसे भगवत भजन करने वाला महात्मा जो वास्तविक भागवतिक महिमा को जान गया है, वो इस शरीर से कोई मतलब नहीं। चाहे इसमें कैंसर हो, किडनी फेल हो, कोई बड़े बड़े कष्ट हो, वो समझता है इसकी एक आयु निश्चित है, इसको नष्ट ही होना है। जब नष्ट ही होना है तो हम इसके लिए भजन रूपी महामहिम महिमा का प्रयोग क्यों करें? यह अविनाशी थोड़ी रहेगा, आज नहीं तो कल जाएगा। ये जब जाएगा ही तो इसके लिए हम अपने भजन को क्यों खर्चा करें? इसीलिए उन महापुरुषों ने अपने भजन का प्रयोग शरीर को स्वस्थ रखने में नहीं किया, नहीं तो इतनी सामर्थ्य है नाम में कि वो सब रोगों को नष्ट कर सकता है। आश्चर्य में एक बार कबीरदास जी के शरणागत हुए दिग्विजय पंडित थे, गंगा स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है और शोरगुल हो रहा है, उस भीड़ में कौतूहल बस गए, क्या है, क्या हुआ? तो उनका ये आदमी आत्महत्या करने जा रहा था गंगा जी में, हम लोगों ने जबरदस्ती से रोक रखा है, वो कमर में पत्थर बांधे हुए बिल्कुल कगार पे खड़ा हुआ था, लोगों ने पकड़ रखा था। हुआ, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आत्महत्या सबसे निंदनीय महापाप है, इसको बहुत भोगना पड़ता है, आप ऐसा न समझिए कि शरीर छूट जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे, बहुत दुर्गति भोगनी पड़ेगी। क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? उनका, मेरे शरीर में गलित कुष्ठ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसकी दुर्गंध से मैं ही इतना पीड़ित हूं, दर्द तो है ही पर इतनी दुर्गंध है कि बस मृत्यु ही मुझे अच्छी लग रही है, कोई औषधि काम नहीं कर रही, कोई मेरे से बात नहीं करता, कोई मेरे नजदीक नहीं आना चाहता, बोलो मैं ऐसी जिंदगी कैसे धारण करूं? मैं खुद उब गया हूं इस जीवन से, पूरा शरीर सड़ रहा है, इतनी भारी दुर्गंध है, कोई नजदीक नहीं आता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी सेवा नहीं करता, कोई मेरे से बात, अब कैसे मैं जीऊं? देख लो कर्म का फल, देख लो, आप आज स्वस्थ हैं तो आप भजन छोड़कर मनमानी आचरण कर रहे हैं, कल जब ऐसे कर्म फल की स्थिति आएगी जो आप कर्म किए हैं कि आपसे कोई बात भी नहीं करेगा, आपके पास भी नहीं कोई बैठेगा, आप खुद जीना नहीं चाहेंगे, वो कर्म आपको इतना दंड देगा, इसलिए सावधान रहो, जो आपके शुभ शुभ कर्म है वो आपको भोगने पड़ेंगे यदि सावधान नहीं रहे। उन्होंने कहा कि तुम भगवान नाम की महिमा को जानते नहीं हो, यदि नाम महिमा जानते तो तुम आत्महत्या करने के लिए न जाते। छोड़ो पत्थर, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात मानो। कमर से रस्सी से में जो पत्थर बांधा था छोड़ दिया, बोले खड़े हो गंगा जी में और राम डुबकी लगाओ, राम डुबकी लगाओ, तीन बार बोले एकदम खत्म। ये उनकी कोई सुकृत नहीं थे जिसके शरीर में गलित कुष्ठ था, एक तो ये महान विद्वान शास्त्रज्ञ
दूसरी बात गुरु कृपा पात्र, तीसरी बात नाम महिमा को समझ चुके थे कबीरदास जी के द्वारा। कबीरदास जी ने इन्हीं को परास्त किया था। ये दिग्विजयी पंडित थे, कोई इनके सामने टिकता नहीं था, सब शास्त्र इनकी जिभ्या पे विराजमान थे। काशी के विद्वान घबरा गए कि अगर काशी को पराजित कर दिया तो बहुत बड़ी ये निंदा का विषय होगा, क्योंकि ज्ञान समुद्र काशी है। उनका इससे तो जीत पाना बड़ा कठिन, इसकी तो जिभ्या पे सरस्वती बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि हमारे यहाँ के सबसे बड़े पूज्य महापुरुष कबीरदास जी अगर वो हार गए तो पूरी काशी हार गई, तुम उनको परास्त करो जाकर। यहाँ किस किस से आप विद्वतापूर्वक वाक युद्ध करेंगे, एक से एक विद्वान है, सालों लग जाएगा। हम सब सहमति देते हैं कि आप कबीरदास जी को परास्त कर दे, मानो वाराणसी परास्त हो गई। ठीक है, कबीरदास जी के पास गए, उन्होंने कहा शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, तो हमें शास्त्र कहाँ आता है। कबीरदास बोले पराजय लिख दो, इसमें दस्तखत कर दो, वहां करवा लो जहां दस्तखत। बोले काशी के विद्वानों ने कहा है कि आपकी पराजय पूरी काशी की पराजय। तो बोले फिर रुक जाओ, हम तुमसे प्रश्न करते हैं कि पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो। अब जो हरि के चरणारविंद के प्रेम में डूबा हुआ है उसकी वाणी सरस्वती भी नहीं समझ सकती। पहली बार उसकी बातें ही समझ में नहीं आई कि बाबा प्रश्न क्या कर रहे हैं। फिर हाथ जोड़ा कहा महाराज एक बार फिर प्रश्न कीजिए। तो उन्होंने कहा पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। जैसे कोई किसी को स्तंभित कर दे मंत्र के द्वारा, बुद्धि काम पूरी सभा लगी हुई है कौतूहल देखने के लिए, वो ये शास्त्र खोले वो शास्त्र खोले कुछ। हम महाराज हमारे तो प्रश्न ही की धारा समझ में नहीं आ रही। बोले तो उत्तर क्या दोगे, शास्त्रार्थ क्या करोगे, जब प्रश्न की ही धारा तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो व्यर्थ में अभिमान लिए घूम रहे दिग्विजय का। पढ़ के समझो कि समझ के पढ़े हो, हम तुम्हें बताते हैं तुम ना पढ़ के समझे हो न समझ के पढ़े हो। अगर समझ के पढ़े होते तो सब शास्त्रों का सार है भगवान के नाम में प्रेम, भगवान के चरणों की भक्ति। अगर पढ़ के समझे होते तो अब तक समझ गए होते कि सबका शास्त्रों का सार क्या है, तुम समझ ही नहीं पाए। उन्होंने उसी समय सब गंगा जी में शास्त्र प्रवाहित कर दिए और श्री चरणों का कबीरदास जी के आश्रय ले लिया, शिष्य बन गए और नाम जप। उनकी ये निष्ठा कि तीन बार नाम, ये उनकी निष्ठा, उससे उनका गलित कुष्ठ चला गया। अब ये बड़े आनंदित होकर कबीरदास जी के पास पहुंचे और कहा भगवान एक गलित कुष्ठ शरीर वाला आत्महत्या करने जा रहा था, तो आपकी कृपा से नाम महाराज के प्रभाव से तीन बार नाम बुलवाने पर वो गंगा में डुबकी लगाते ही पवित्र शरीर और निरोग शरीर हो गया उसका, और बहुत प्रसन्न हो गया और उसको भी अपने कहा नाम जप करो। कबीरदास जी ने कहा तुमने नाम की महिमा जानी, अरे ये केवल नामाभास से ठीक हो सकता था, तुमने तीन बार बुलवाया है, नामाभास से ये नाम की अपार। जौहरी ही तो हीरा का कीमत जानता है कि क्या है, हीरे की वक्त जौहरी जानता है। ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा जानते हैं कि नाम का प्रभाव क्या है। हम आप सब तो ऐसे ही राम कृष्ण हरि, पर ऐसे ही बोलो तो भी मंगल हो जाएगा। रोग मिट जाना खास बात नहीं है, नाम के प्रभाव से रोग होते हुए भी रोग का प्रभाव न होना ये खास बात है। ये पता चले कि अमुक रोग हो गया तो आपका मन उसी में लग जाएगा, निराश हो जाएगा, चेहरा छिन्न खिन्न होने लगेगा, अरे अब तो ऐसा नहीं, जब जाना है तब जाएगा, जब तक है इस शरीर में खूब आनंद पूर्वक नाम कीर्तन भगवत चिंतन, बिल्कुल प्रतिपल नया ऐसा उल्लास, किस प्रकृति जन्य किसी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति पे वो उल्लास होता ही नहीं जो भक्त के हृदय में होता है। आप समझिए ये नाम भगवान ऐसा आनंद उत्पन्न करते हैं, ऐसा उत्साह उत्पन्न करते हैं जैसे किसी का ब्याह होना हो, ये देखो ना पुलका घूमता है, पर वो तो प्रकृति जन्य कुछ क्षण के लिए हर्ष है फिर शोक में बदल जाएगा।
ऐसे अनंत गुना बड़ा आनंद, बड़ी पुलकन उस उपासक के हृदय में होती है जिसे अपने प्रीतम के मिलन की चाह पैदा कर दी है नाम ने। एक शरीर क्या, अगर करोड़ों प्राण करोड़ों शरीर हो तो अपने प्यारे पर न्योछावर कर दे, ये प्रेम नाम प्रदान करता है। यदि श्री गुरु के प्रवचन को सुनकर आपके मन को शांति मिलती है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर जरूर बताएं।